चलिए स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 उस पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। एक टैंक है, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है और उसकी जो साइड्स है वो भी रेक्टेंगल्स है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो ऊपर से खुला हुआ बॉक्स बनेगा ऐसा डब्बे टाइप का आपका ऐसा, और जो ऊपर से खुला रहेगा। सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। और कैसा है वो टैंक, उसकी जो डेप्थ है या उसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है। एंड वॉल्यूम इज 8 क्यूबिक मीटर, और उसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर मतलब उसकी कैपेसिटी 8 क्यूबिक मीटर। उसके अंदर कोई चीज 8 क्यूबिक मीटर भर सकते हैं, वाटर, मेल, कोई भी चीज, उसकी कैपेसिटी 8 क्यूबिक मीटर की है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वेयर मीटर फॉर द बेस। अब उस टैंक का जो बेस है उसको बनाने की जो कॉस्टिंग है या उसका जो खर्चा है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर है। मतलब एक स्क्वायर मीटर अगर बेस बनेगा तो उसके ₹70 का खर्चा आ जाएगा उसमें। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और उसकी जो साइड्स रहेगी टैंक की उसको बनाने का खर्चा या उसकी कॉस्टिंग जो है वो ₹45 पर स्क्वायर मीटर है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो इस टाइप से एक टैंक बनेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो लीस्ट होना चाहिए, और उस लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट, उस लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए एक एक टैंक बनाना है, उसका शेप जो है वो रेक्टेंगल जैसा है, बेस भी उसका रेक्टेंगुलर है, उसकी साइड्स भी रेक्टेंगल के फॉर्म में। अब उसकी डेप्थ 2 मीटर है और उसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर है। अब टैंक को बनाने का बेस और साइड्स की कॉस्टिंग अलग अलग है। उसका जो बेस है उसकी कॉस्टिंग ₹70 पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि बेस के अंदर कॉन्क्रीट बिछाना पड़ता है, लोहा लगता है, रेत, सीमेंट सब कुछ ज्यादा लगता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। और वॉल्स में केवल ब्रिक्स रहती है आपकी और सैंड और सीमेंट यही रहता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग कम है, ₹45 पर स्क्वायर। दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। कॉस्टिंग का मतलब बनाने का खर्चा। तो इस टाइप से एक टैंक बनेगा जो 2 मीटर गहरा है और 8 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है, और जैसा वो बोल रहा है रेट दिया हुआ है उसकी कॉस्टिंग। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो उस टैंक की लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको उस टैंक की कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। रेक्टेंगुलर बेस है और चारों साइड है उसकी, इसको बनाने में कुल खर्चा या कॉस्ट कितनी है वो कॉस्ट निकाल लेंगे। अब वो लीस्ट बोल रहा है कॉस्ट को, तो उसी कॉस्ट को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में लीस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट के लिए जो डेरिवेटिव आएगा उसको अपन जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। फिर जीरो के इक्वल रखने के बाद वहां से सॉल्व करेंगे तो वहां से अपने को कोई पॉइंट मिलेगा, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब उस वैल्यू के ऊपर उस टैंक की कॉस्ट जो है वो लीस्ट भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉस्ट लीस्ट होगी, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उस टैंक की कॉस्ट जो हो जाएगी वो लीस्ट हो जाएगी। तो वो पॉइंट वेरीफाई हो जाएगा, उसी पॉइंट का यूज अपन जहां से अपन कॉस्ट निकालेंगे उसकी शुरू में वहां पर ले जाकर पुट कर देंगे, तो उस लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट आ जाएगी, वो रुपीज में आएगी, क्योंकि सारा डेटा जो है वो रुपीज में दिया, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको इसका, और फिर लिखते हैं चीजों को तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बस आपको समझ कर लेना। तो देखिए टैंक बनेगा कैसा, देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो, ये बन गए रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल और बना लो, क्योंकि टैंक जो है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड के शेप में। तो एक रेक्टेंगल में और बना रहा हूँ, देखो ऐसा बनाया मैंने, आप भी ऐसा बनाए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। अब इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, एक ये ज्वाइन कर दो, एक ये ज्वाइन कर दो, एक इसको ज्वाइन कर दो और एक इसको ज्वाइन कर दो। देखो ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर। अब ये ओपन एट का टॉप है, ये टॉप है इसका, ये टॉप से खुला हुआ है, ये खुले को मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये ऊपर से खुला हुआ है। अब इसका जो लिख देता हूँ, यह ओपन एट द टॉप, ओपन एट टॉप, टॉप से खुला हुआ है, रहता ना बॉक्स खुला हुआ। अब इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लेंथ को ले लो आप एक्स और इसकी ब्रेथ को ले लो आप वाई, और इसकी जो हाइट है ये एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। अब देखना क्या दिया हुआ है आपको कि उसकी जो डेप्थ है, देखिए डेप्थ और हाइट में क्या डिफरेंस होता है, डेप्थ और हाइट एक ही चीज होती है। जब किसी चीज को ऊपर की तरफ नापा जाता है, अर्थ से ऊपर की तरफ नापते हैं तो वो हाइट हो जाती है, और जब
अर्थ से नीचे की तरफ डाउन साइड में नापते तो उसी को डेप्थ कहते हैं। तो गड्ढा है ऐसा, तो उसकी डेप्थ दी हुई है कितनी, 2 मीटर। तो h इज इक्वल टू, तो 2 मीटर है, h इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है या जो टैंक बना हुआ है, इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो 8 क्यूबिक मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, देखिए जो चीज गिवन रहती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 8 क्यूबिक मीटर। अब देख के बताइए कि ये टैंक किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर जो चीज रहती है टैंक के, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज होती है, और तीनों भी अलग अलग है। तीनों चीज अगर इक्वल हो जाए लेंथ ब्रेथ हाइट, तो फिर वो क्यूब हो जाता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है तो फिर वो क्यूबॉइड होगा। तो ये जो टैंक है वो क्यूबॉइड के शेप का है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने एक्स ले लिया है, ब्रेथ कितनी लिया है वाई, और हाइट कितनी है, एच आपकी 2 मीटर दी हुई है। हो जाएगा लेंथ एक्स हो गई, ब्रेथ वाई हो गई, और हाइट आपकी 2 मीटर, इज इक्वल टू 8। यहां से दो वेरिएबल देख रहे हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, इसको 2 से कैंसिल कर लो, पहले 2 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 4 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू निकाल लो, वाई इज इक्वल टू 4/x। उसको एक इक्वेशन दे दो, ये देखिए हम क्या करते हैं कि जो चीज हमको गिवन रहती है सबसे पहले हम उसका यूज करते हैं। देखो मैंने गिवन का यूज किया है, हाइट गिवन थी और वॉल्यूम गिवन था, ये दोनों भी चीज कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को मैंने सॉल्व करके y इज इक्वल टू 4/x निकाल दिया, ये अपने काम में आएगा। h की तो वैल्यू गिवन है, अब केवल x है, इसके अंदर y के प्लेस पर भी x कर देंगे। अब क्या करना है अपने को, ये जो टैंक बन रहा है जो ऊपर से ओपन है, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है पहले, और वही वाली कॉस्ट आपको फिर फाइंड आउट भी करना है। तो आप पहले मैं इसकी कॉस्ट लिखता हूं, और फिर कॉस्ट को लीस्ट बोल रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप कॉस्ट ऑफ टैंक लिखना अपने पास में, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है यहाँ पर। बस अगर अगर कॉस्ट ऑफ टैंक लिख लिए, कॉस्ट का मतलब होता है उसको बनाने में जो खर्चा आएगा, वो खर्चा यदि अपन ने वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिए, फिर अपन ये एक्स की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे, तो वो आ जाएगा टैंक की कॉस्ट कितनी आ रही, और उसको लिस्ट दिखा देंगे अपन अगले पेज में। लेता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ टैंक, कॉस्ट के लिए कोई भी लेटर यूज कर लेते, कॉस्ट के लिए सी कर लो, सी देखो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए कॉस्टिंग अलग अलग दी हुई है, जो उसका रेक्टेंगुलर बेस है उसकी कॉस्ट है 70 रुपीज पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज है बेस की। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, साइड्स की कॉस्ट 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है और बेस की 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 70 into एरिया ऑफ बेस, देखिए उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, उसका जब अपन एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस कहां में आएगा, आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है, तो ये जितने मीटर स्क्वायर यहाँ से एरिया आएगा उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी जो रेक्टेंगुलर आपका जो टैंक है उसके बेस की कॉस्ट हो जाएगी 70 into एरिया ऑफ बेस होगा। एरिया ऑफ बेस को लगे तो आप चाहे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस भी बोल सकते, बेस उसका रेक्टेंगुलर ही है, प्लस उसकी जो साइड्स है या जो फोर वॉल्स है, गड्ढा बना हुआ है तो उसकी वॉल कितनी होगी, उसके ऊपर से तो खुला है, चार ही होगी ना आजू बाजू, चारों डायरेक्शन में चार दीवारें बनाना पड़ेगा, तो 45 रुपीज कॉस्ट है उसकी, तो 45 into एरिया ऑफ फोर वॉल्स के एरिया में 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर वॉल्स का एरिया आ जाएगा, एरिया की कॉस्ट आ जाएगी, ये 70 रुपीज जितने स्क्वायर मीटर का आपका बेस होगा उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेस की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस साइड की कॉस्ट अलग है, एरिया ऑफ फोर साइड में आप 45 का मल्टीप्लाई कर, समझ में आ रहा है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूं मैं, c इज इक्वल टू ये 70 इनटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, देखो ये लेंथ
ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एक्स वाई होगा, तो ये 70xy हो गया, 70xy प्लस 45 इंटू, अब देखना एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, याद है किसी बच्चे को नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है फोर वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहां एल लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच हाइट है, इसमें वैल्यू रख दो, ये सी, ये 70, एक्स और वाई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किए हैं 4 अपॉन एक्स प्लस 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, एल की वैल्यू आपकी कितनी है, लेंथ एक्स है, ब्रेथ कितना है वाई, और हाइट कितनी है 2 मीटर, यहां भी एक्स यहां भी वाई की वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व भी करते चलो, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो सी इज इक्वल टू 74 जा 74 जा 28 280 प्लस ये 90 इंटू 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 4 अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू 4 अपॉन एक्स है अपने पास, ये रही 4 अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, फर्स्ट तो अपन दे चुके हैं, ये है भैया आपकी कॉस्ट, इसकी लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट, टैंक की कॉस्ट, टैंक को बनाने में इतना खर्चा आएगा, अब इसके अंदर अपन x की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो अब अपने को इस कॉस्ट को लीस्ट प्रूव करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके इसके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे और एक्स की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो इसकी टैंक की कॉस्ट आ जाएगी, उस टैंक को बनाने में कितना खर्चा आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही वेरिएबल बना लिया अपने एक्स, सी का डेरिवेटिव डी सी बाय डी एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 280 कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस ये 180 कांस्टेंट सामने आ गया और एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, अब देखना ये फोर तो कांस्टेंट है और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट है अपने पास में माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, किसी बच्चे को यदि तकलीफ हो तो वो यहां से देख ले, डी बाय डी एक्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, किसी को अगर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता हो तो वो यहाँ से देख ले, और किसी को ये भी नहीं पता रखना तो फिर वो 1 अपॉन एक्स है तो एक्स की पावर 1 लेके उसको ऊपर शिफ्ट करो तो एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगी, उसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 1 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो एक्स की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 को नीचे ला के लिख दो तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 को मैंने इनटू करके लिख दिया माइनस 1, इसको थोड़ा सा और लिख लो, तो डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया, अब फॉर लीस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट के लिए इस डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे, फॉर लीस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट, और लीस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट के लिए इसको जीरो के इक्वल रखते हो, जो आपका डेरिवेटिव आया, डीसी बाय डीएक्स इज इक्वल टू जीरो, रखो डीसी बाय डीएक्स की वैल्यू क्या है, डीसी बाय डीएक्स की वैल्यू 180 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकालना अपने को, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर में 1 का करे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स इज इक्वल टू 2, अब देखिए मैंने दोनों साइड का अंडर रूट लिया है और मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लिया, केवल प्लस लिया है, रीजन इज बिकॉज की एक्स इज लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देखो हमने एक्स को लेंथ लिए और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने माइनस 2 नहीं लिया,
केवल प्लस टू लिया है और यहाँ रीजन लिख देता हूँ इसका, क्या कि सेंस एक्स इज लेंथ। इससे समझ में आ जाएगा कि एक्स एक लेंथ थी, दैट इज वाई इट इज टेकन एज ओनली पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू टू। बस अब देखिए ये जो x is equal to 2 आया, इसको उठा के अगर अपन अपने सेकंड इक्वेशन के अंदर रख दे तो उस टैंक की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी इस x is equal to 2 के ऊपर आपको ये प्रूफ करना है कि जो टैंक है उसकी जो कॉस्ट है वो लीस्ट है। तो इस x is equal to 2 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखाना चाहिए, ग्रेटर देन 0 दिखाना चाहिए, तब ये लीस्ट होगी। जब ये वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी कि x is equal to 2 के ऊपर ही टैंक की कॉस्ट लीस्ट होती है, उसके बाद अपन x की वैल्यू 2 यहां रख के सॉल्व करेंगे तो उस रेक्टेंगुलर टैंक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब चलते अपन सेकंड डेरिवेटिव, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला dc by dx is equal to 181 minus 4 upon x square। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेते हैं, dc by dx is equal to 180 into 1 minus 4 upon x square। देखना भाई यही है कि dc by dx is equal to 181 minus 4 upon x square। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा d2c by dx square is equal to 180, कांस्टेंट है सामने रहने दो, 1 का 0 हो गया, ये माइनस 4 सामने। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 होगा तो माइनस 2 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो x की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा हुआ सही है। देख लो ये माइनस 4 सामने, x की पावर माइनस 2 हो गई, माइनस 2 सामने आ गया, एक पावर कम कर देते, अब ये एक्स क्यूब करके नीचे कर देते माइनस माइनस प्लस, ये 180 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब, रहने तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत। अब देयरफॉर डी टू सी बाय डी एक्स स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 के ऊपर लिखना है, ये 180 इंटू 8 अपॉन 2 का क्यूब। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये टोटल क्वांटिटी देखो ग्रेटर देन 0 दिख रही, सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 2 पर ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है कि कॉस सी हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर या दैट इज कॉस सी हैज लीस्ट एट x is equal to 2। हमने ये वेरीफाई कर लिया कि x is equal to 2 पर जो cos c है वो लीस्ट है। अब आप इस x is equal to 2 को अपना इक्वेशन सेकंड में रखते, सेकंड इक्वेशन में रखते तो अपने टैंक की कॉस्ट आ जाएगी, therefore least cost of tank, therefore least cost of tank from इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से कॉस्ट। तो c इज इक्वल टू क्या था, c इज इक्वल टू था आपका 280 प्लस 180 x प्लस 4 अपॉन x, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 280 प्लस 180 इनटू x प्लस 4 अपॉन x, इसके अंदर आप x के प्लेस पे 2 रख दो, तो ये 280 प्लस 180 x की वैल्यू 2 प्लस 4 अपॉन x की वैल्यू 2, इसको सॉल्व करो, 2 टू जा 4 क्या हो गई, 280 प्लस 180 इंटू 2 और 2 4 हो गया, 280 प्लस 18 4 जा 72 होता है, 720 रुपीस कर लो प्लस, ये 0 8 और 2 10 0 7 टू 9 1 10 1000 रुपीस, वो जो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक होगा उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज होगी। 1000 रुपीज में एक रेक्टेंगुलर टैंक बन जाएगा जो लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, मतलब सबसे कम खर्चे में 1000 रुपए का ही टैंक बनेगा। अब 1000 रुपए में कैसा टैंक बनेगा आप सोच लो,
आंसर दिखाते हैं, ये रहा 1000 रुपए, रुपीज लिखा हमने, ऐसा रुपीज लिखना मत, चलता नहीं है रुपीज। अब ये लिख के ये करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन सिचुएशन डेवलप करेंगे। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है सर्कल और एक है स्क्वायर, दोनों की जो पेरीमीटर है उसका सम के दिया हुआ है। पेरीमीटर समझते हैं आपको, जो आउटर बाउंड्री रहती है उसकी लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल के केस में उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं और बाकी में उसको अपन पेरीमीटर बोलते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर इसमें। तो एक सर्कल और स्क्वायर की जो पेरीमीटर है दोनों का सम के दिया हुआ है तो कांस्टेंट है। वेयर के इज सम कांस्टेंट, जहां पर के कोई कांस्टेंट है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो आपको ये प्रूव करना है कि द सम ऑफ देयर एरियाज, तो अब उन दोनों के जो एरियाज का जो सम है, मतलब सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, वो कैसा है, लीस्ट है। When the side of square is double of the radius of the circle, when the side of square is double the radius of the circle, आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ देयर एरियाज, उन दोनों ऑब्जेक्ट के एरियाज का जो सम है वो लीस्ट है, लेकिन वो लीस्ट कब होगा, when the side of square is double the radius of the circle। अगर अपन स्क्वेयर की साइड को a ले ले, x मतलब a ले, और सर्कल की रेडियस को आर ले ले, तो ए इज इक्वल टू 2r, आपको ये ऐसा प्रूफ करना है। लेकिन ऐसा प्रूफ करने के पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि वो जो एरिया का सम है किसका किसका, सर्कल का और स्क्वायर का, वो लीस्ट है। तो चीजें समझ में आ रही, तो क्या करते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले उस चीज का यूज करते हैं जो अपने को गिवन रहता है। तो गिवन अपने को क्या है, सर्कल और स्क्वायर की पेरीमीटर का सम गिवन है के, तो सबसे पहले इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का सम लिखेंगे, फिर इस एरियाज के सम को आपको लिस्ट दिखाना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद लीस्ट और मैक्सिमम सम ऑफ एरियाज को जीरो के इक्वल रखेंगे। वहां से आपका कोई पॉइंट डेवलप होगा x = या कोई x = फिर उस x = जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर उस एरियाज के सम को आपको लीस्ट दिखाना है, मतलब उसके सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो दिखाना है। जब वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, तो ऑटोमेटिक आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ छोटे छोटे। पहले सर्कल है, सर्कल इसकी रेडियस को ले लेता हूं मैं r, प्लस एक बना लेता हूं स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर मान लो, इसकी साइड a है। ठीक है, सर्कल की रेडियस को r ले लिए, स्क्वायर की साइड को a ले लिए। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर मतलब ये a इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स 2r। यहां लिख देता हूं मैं r की रिक्वायर्ड टू प्रूव a इज इक्वल टू 2r, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन ये कब प्रूफ होगा, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के एरियाज का जो सम है वो लीस्ट हो जाए, उसको लीस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये डायग्राम तो मैंने बताया, आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको लेते हैं। गिवन क्या है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। तो पेरीमीटर के लिए मैं p ले लेता हूं। ठीक, अब पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr, प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, अगर उसकी साइड a हो तो 4 टाइम्स साइड 4a, ऐसा है। अब ये जो पेरीमीटर है ये कैसी दी हुई है आपको, k के इक्वल दी हुई है, क्या k के इक्वल, तो इस p को मैं रख देता हूँ k, ये दिया ना कांस्टेंट k, इस इक्वल टू 2πr प्लस 4। अब यहां से आपके पास में दो पैर, के तो कांस्टेंट है, इसका टेंशन नहीं, इसको अपन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे के को। तो के टर्म में वैल्यू निकालना, तब आप ए की वैल्यू निकालते हैं या आर की वैल्यू निकालते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से ए इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है, तो मैं ए की वैल्यू आर के टर्म में निकाल लेता हूं। यहां से ए की वैल्यू आर के टर्म में निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 2πr इज इक्वल टू 4a, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो,
माइनस टू पाई आर, इसको आप एक इक्वेशन दे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो भी चीज गिवन है उसका यूज करके अपन सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, और उस के की वैल्यू को यहां रख देंगे तो ऑटोमेटिक ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस काम करता। अब के की वैल्यू निकालना आपने, तो आप के की वैल्यू निकालने के लिए आप जिस चीज को लिस्ट या मैक्सिमम बोलता है वो ले लेते हैं। किसको लिस्ट बोल रहे हैं? एरिया, द सम ऑफ द एरियाज इज लिस्ट। तो पहले इन दोनों ऑपोजिट के एरियाज का सम ले लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज, अब सम ऑफ एरियाज को एक सिंबल ले लो, कौन सा ले लो, एस ले लो या कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए ले लेता हूं एरिया के लिए, कैपिटल ए ले लो। सम लेना है दोनों का, तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा अगर साइड को ए लिए हैं तो ए स्क्वायर, ये होता है ना साइड स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास में वैल्यू है, ए की वैल्यू निकाल के रखे, ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर अपन कर दे तो क्या हो जाएगा, के माइनस टू पाई आर, इसका होल स्क्वायर लगा देता हूँ और फोर का स्क्वायर 16 कर देता हूँ, नीचे 16 कर दिया और ऊपर के माइनस टू पाई आर होल स्क्वायर, ओके ये ए स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है, मैंने ए के प्लेस पे ए स्क्वायर कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे आर के रिस्पेक्ट, ये तो कॉन्स्टेंट सीधा सीधा हो जाए, सॉल्व करने से कोई मतलब। अब इसको लीस्ट बोल रहा है तो इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, अगले पेज में देखो। चलो अब देखो, अब एक ही वेरिएबल है आर, के तो कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर करो, तो ए का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r प्लस ये 1/16 कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा। देखिए इस पूरे ब्रैकेट का करना है तो पहले 2 को सामने ले आओ, एक पावर कम करो, ये 2 सामने आ गया, एक पावर कम करेंगे तो k माइनस टू पाई आर, और अंदर वाले का फिर से करना आपको तो k का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है तो, और माइनस टू पाई आर का माइनस टू पाई कांस्टेंट, r का 1 तो माइनस टू पाई हो जाएगा, सही है डिफरेंशिएशन, बहुत ध्यान से करना, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके ले लो, टू पाई आर और ये माइनस टू पाई से कैंसिल कर लो इसको, 16 को 2 से 8 टाइम और ये वाले 2 से इसको 4 टाइम, आप ऊपर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, पाई अपॉन 4 और ये के माइनस 2 पाई है, तो ये हो गया आपका माइनस पाई अपॉन 4 इंटू के माइनस 2 पाई है। देखो ऐसा आ गया, ये डी ए बाय डी आर आ गया, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बाद में। अब फॉर लीस्ट आर मैक्सिमम एरिया के लिए डी ए बाय डी आर को 0 के इक्वल रखेंगे, फॉर लीस्ट और मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया लीस्ट और मैक्सिमम एरियाज के लिए, एरिया के लिए डी ए बाय डी आर is equal to 0, रखो डी ए बाय डी आर को 0, तो 2 पाई आर माइनस पाई अपॉन 4 इंटू के माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हो गया के माइनस 2 पाई आर, एक पाई से पाई को कैंसिल कर लो, ये क्या हो जाएगा 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8 आर हो गया इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, ये आर वाली टर्म को एक साइड कर लो तो क्या हो जाएगा 8 आर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू के, ये आ गया। यहां से आप
टू आर कॉमन निकाल, टू आर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू के। देखो ये के की वैल्यू आ गई, टू आर इंटू फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू के। अब यही वाली के की वैल्यू को अपन यहाँ रख देंगे, कहाँ, यहाँ के की वैल्यू को, तो a इज इक्वल टू टू आर प्रूफ हो जाए। लेकिन अभी अपने को k इज इक्वल टू इस वैल्यू के ऊपर इसका जो सम ऑफ एरिया है इसको लीस्ट प्रूफ करना है, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर k इज इक्वल टू टू आर इंटू फोर प्लस फाइव के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हो, उसका साइन ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए तब एरिया लीस्ट हो। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेता हूँ, कहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव ध्यान से देखना, ये है डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू टू पाई आर माइनस पाई अपॉन फोर के माइनस टू पाई आर, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू टू पाई आर माइनस पाई अपॉन फोर इंटू के माइनस टू पाई आर, के माइनस टू पाई आर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टू पाई सामने आ गया आर का बन गया, माइनस पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है सामने रहने दो, के कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, माइनस टू पाई आर का माइनस टू पाई सामने आ गया आर का बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इस इक्वल टू ये टू पाई, ये टू से टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू, सही है। अब यही वाली वैल्यू अपने को किस पर निकालना है, के इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई थी टू आर इंटू फोर प्लस पाई के ऊपर, देयरफॉर डी टू ए बाय डी आर स्क्वायर एट k इज इक्वल टू टू आर इंटू फोर प्लस फाइव, टू आर इंटू फोर प्लस फाइव के ऊपर। इसमें देखो k के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखते हो तो k है ही नहीं, इसमें रखने की जरूरत नहीं, यही की वैल्यू आ जाएगी टू पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू, सॉल्व नहीं किया मैंने इसको। अब देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रही है, पाई पॉजिटिव है उसमें टू का इंटू, फिर ये पाई स्क्वायर अपॉन टू सारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो है। और जैसे ही आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब k इज इक्वल टू टू आर इंटू फोर प्लस पाई के ऊपर जो सम ऑफ एरियाज होगा वो कैसा होगा, लीस्ट होगा, दैट इज सम ऑफ एरियाज a हैज लीस्ट एट k इज इक्वल टू टू आर इंटू फोर प्लस पाई, k इज इक्वल टू टू आर इंटू फोर प्लस फाइव के ऊपर सम ऑफ एरिया जो है वो लिस्ट प्रूफ करती है। अब आप इस k की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू वेरीफाई हो गई कि k की इसी वैल्यू के ऊपर इसका जो सम ऑफ एरिया है वो लिस्ट हो। तो अब इस k की वैल्यू को जो इक्वेशन बनाया था वहां रखता हूं, कहां था वो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था वो, फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते, ए इज इक्वल टू जो होगा वो लिख लो के माइनस टू पाई आर अपॉन फोर, के माइनस टू पाई आर अपॉन फोर रख दो, इसमें के प्लेस पे वैल्यू, के प्लेस पे टू आर इंटू फोर प्लस पाई माइनस टू पाई आर अपॉन फोर, सॉल्व करके 2r लाना है, खोलो ये ब्रैकेट 2r का इंटू करेंगे तो 4 टू सा 8r प्लस 2 पाई r हो जाएगा और ये माइनस 2 पाई r अपॉन 4, 2 पाई r नेगेटिव और 2 पाई r पॉजिटिव गेट्स कैंसिल्ड, 8r अपॉन 4 को 2r लिख सकते हैं, ये 8r अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो फाइनली आ गया अपने पास क्या, a इज इक्वल टू टू आर। देखो बेटा यही प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूफ लिख देते हैं,
कि ए इज इक्वल टू मतलब स्क्वायर की जो साइड है उसकी रेडियस की डबल है, लेकिन कब, जब सम ऑफ एरियाज लीस्ट हो। हमने सम ऑफ एरियाज को लिस्ट दिखा दिए पहले, आ गया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, बस थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा क्वेश्चन लंबे, क्योंकि उसमें सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इतने सारे क्वेश्चन करते करते तो अब आपको सब कुछ समझ में भी आता होगा कि कैसे करना पड़ता है। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसकी कोई शॉर्टकट आप बना लो अगर कैलकुलेशन करते करते तो वो एक अलग बात है, आप अपने हिसाब से करो। मैं थोड़ा सा समझाने के हिसाब से करता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। मैंने कैंसिल किया, फिर 8r/4 लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आप 2r लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपने हिसाब से लिखना, ये क्या हमारी स्टाइल।